पास कंटिन्यूअस टेंस जो है, इससे हमने इससे पहले हमने पास सिंपल टेंस किया था, जिसमें हमने देखा था कि पास सिंपल टेंस में कोई भी काम जो अभी किया जा चुका है, रिसेंटली अगर कोई काम हो गया है, जिसमें हमने कहा था कि मैंने काम किया, वो जाग गई थी, या जैसे पीछे जो है हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे देखे, मैंने तस्वीर नहीं भेजी थी, क्या बच्चे स्कूल से आ गए, क्या बूढ़ी खातून एक जंगल में रहती थी, ये सारे जो इसके सेंटेंसेस हैं ये है पास्ट सिंपल टेंस के। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं, और इस काइंड ऑफ टेंस में क्या होता है कि पास्ट टाइम जो है ना वो कंटिन्यूअस में होता है, यानी कि मुसलसल चल रहा होता है, यानी कि पास्ट सिंपल के दरमियान और पास्ट परफेक्ट के दरमियान एक स्टेट आती है जिसमें हमें लगता है कि काम हो रहा था, तो इस उसको हम कहते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस का मतलब ही ऐसे है कि जैसे कोई चीज मुसलसल कंटिन्यू हो रही है। पहचान इसमें देख लेते हैं, उर्दू में जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इन जुमलों में वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि वॉज, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म हम उसको कहते हैं। तो इस वर्ब में, इन जुमलों में वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और वॉज, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। मनफी जुमला बनाने के लिए इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए वॉज वर्ब के जुमले में के शुरू में सॉरी सवालिया जुमला बनाने के लिए वॉज वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सवालिया निशान आ जाता है। मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए वॉज वर्ब जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान। यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेलेवेंट वर्ड्स जो भी आगे होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये इसका मेन फॉर्मूला है, प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ फौरन से हम नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट और प्लस फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेलेवेंट वर्ड्स के साथ फिर इन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले ही आएगा लेकिन सब्जेक्ट के साथ नॉट लगेगा, वॉज वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नोट इसमें देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कैन कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड इट कैन ऑल्सो बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ द टाइम जो है वो हमेशा जो है एंड ऑफ द सेंटेंस पे आता है, और ये जो है बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम आप एंड ऑफ द सेंटेंस भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह नाश्ता कर रहा था। अब यहाँ पे लिखा है ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये है एडवर्ब ऑफ द टाइम, ठीक है, इन द मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ द टाइम है। आप ये भी लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, कि वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहा था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसने सुबह नाश्ता किया, ही टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, या उसने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, ही टुक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। तो यहाँ पे है वो सुबह नाश्ता कर रहा था आ जाए तो वॉज टेकिंग, ठीक है, ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या कल बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ रहे थे, वर द गेस्ट नॉट कमिंग लास्ट वीक। अब हम इसको देखते हैं, वो सुबह नाश्ता कर रहा था, पहले हम इसको अफर्मेटिव में देखते हैं, फिर नेगेटिव में, एंड देन इंटरोगेटिव में, और फाइनली नेगेटिव इंटरोगेटिव में। अब यहाँ पे है ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वो सुबह नाश्ता कर रहा था, वो सुबह नाश्ता नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह नाश्ता कर रहा था, वॉज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या सुबह वो नाश्ता नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
पहले हम इसको यूं करते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल सॉरी क्रिकेट, यहाँ पे फुटबॉल लिखा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वो कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वो कल क्रिकेट क्या वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, और वो क्या वो कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, क्या कल सॉरी कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ रहे थे, पहले हम इसको अफर्मेटिव में करते हैं, पिछले हफ्ते मेहमान आ रहे थे, द गेस्ट वर कमिंग लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ रहे थे, द गेस्ट वर नॉट कमिंग लास्ट वीक, क्या पिछले हफ्ते मेहमान आ रहे थे, वर द गेस्ट कमिंग लास्ट वीक, और उसके बाद है क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ रहे थे, वर द गेस्ट नॉट कमिंग द लास्ट वीक। अब आप लोग बनाएंगे इसको, वो अंग्रेजी में एक खत लिख रहा था, हाँ जी क्लास बताइए, यहाँ पे देखिएगा पास कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, पास कंटिन्यूस टेंस लाइक द फार्मर वॉज वर्किंग एट 6 o'clock यस्टरडे इवनिंग, अब यहाँ पे देखें वॉज वर्किंग एट 6 o'clock टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है 6 o'clock यस्टरडे इवनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आई के साथ हमेशा वॉज एंड देन प्लेइंग, यू वी एंड दे के साथ वर आता है और ही शी इट के साथ भी वॉज आता है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव का क्या रूल होता है, वॉज इंटरोगेटिव में हमेशा शुरू में आ जाता है और उसके बाद आई यू वी दे ही शी इट और फाइनली जो हमारा वर्ब की फुल फॉर्म होती है वो हमेशा एंड पे आती है, और नेगेटिव में वॉज के साथ नॉट लग जाता है और वर्ड के साथ भी नॉट लग जाता है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये सारा कुछ। अच्छा जी यहाँ पे देखें कि होता क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में जो पास्ट एक्शन कंटिन्यूस एक्शन होता है हम उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे देखें एक तो लिखा आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने कोई काम शुरू किया, ठीक है, आई फिनिश डूइंग, ये भी पास्ट है कि मैं काम कर चुका था, ठीक है, बट वट अबाउट आई वॉज, मैं काम कर रहा था, इन दो स्टेट्स के दरमियान में मैंने काम स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे मैंने काम खत्म कर लिया था, लेकिन उसके दरमियान की भी एक स्टेट है उसको कहते हैं आई वॉज डूइंग, उसको कहते हैं कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, मैंने काम शुरू किया और मैंने काम खत्म किया, उसके दरमियान की भी एक स्टेट है जिसे कहते हैं कि मैं काम कर रहा था, ठीक है, मैंने काम शुरू किया मैंने काम खत्म कर लिया, उसके दरमियान की जो स्टेट है उसको कहते हैं कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट के बाद जो है अगर आप अगर टेंसेस फॉर्म पढ़ें तो हमेशा पास्ट के बाद वो प्रेजेंट की बात करते हैं, इसके बाद आपका प्रेजेंट टेंस शुरू होता है, ये जो ग्रिड लाइन आपको शो हो रही है ना इसके बाद आपका प्रेजेंट टेंस शुरू होता है, पास्ट के बाद अब हम प्रेजेंट पढ़ते होते हैं। अब यहाँ पे व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे एट 8 o'clock, दे वर वर्किंग ऑल द डे, कि वो क्या कर रहे थे 8 बजे, ठीक है, आई वॉज डूइंग आ रहा ना, What were they doing yesterday at 8 o'clock? They were working all day. They were सारा दिन काम करते थे. वो कर रहे थे सारा दिन काम कर रहे थे. अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि they have finished their work या कुछ. वो सारा दिन काम कर रहे थे. Next, we use the past continuous tense to say that somebody was in middle of doing something at a certain time. और हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम ये देखते हैं कि somebody was in the middle of doing something at a certain time, कोई इंसान कोई काम कर रहा है लेकिन आप उसके मिड में हैं for a certain time, like this time yesterday the hairdresser was working, yesterday जो है ये hairdresser जो है काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है adverb of time जो है वो include हो जाता है।
past simple and past continuous are used together when something happened in the middle of something. ठीक है, past simple और past continuous tense जो है वो इकट्ठा इस्तेमाल होता है जब कोई चीज happen हो चुकी होती है, या when are used together when something happened in the middle of something else, कि जब कोई चीज जो है किसी और चीज के middle में happen हो चुकी होती है. जैसे the policeman broke his ankle while he was running after the dog. ठीक है, policeman जो है उसने अपना ankle जो है broke कर लिया जबकि वो dog के पीछे भाग रहा था. अब पहले मैंने आपको compare and contrast सिखाया था past simple का और present simple का. अब हम देख रहे हैं कि past continuous tense और past सिंपल का जो कंपेयर है कि इसको जब कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो कैसे, कि जो है पुलिसमैन ने अपना एंकल जो है वो तोड़वा लिया जबकि वो कुत्ते के पीछे भाग रहा था. फिर उसके बाद देखते हैं हम द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट कंटिन्यूस डू नॉट मीन एग्जैक्टली द सेम कंपेयर. पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस कभी भी एग्जैक्टली सेम जो है वो कंपेयर एग्जैक्टली सेम नहीं होते. अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखें, व्हेन मैरी अराइव्ड वी वर हैविंग डिनर. जब मैरी जो है वो पहुंची तो हम सब जो है खाना, डिनर जो है रात का खाना खा रहे थे. दिस मीन्स दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड डिनर बिफोर मैरी अराइव्ड. इसका मतलब ये है कि ये पहले से डिनर स्टार्ट कर चुके थे जबकि मैरी पहुंची. अब यहाँ पे देखें, व्हेन मैरी अराइव्ड वी हैड डिनर. जब मैरी अराइव हुई तो हम डिनर कर चुके थे. दिस मीन्स दैट मैरी अराइव्ड फर्स्ट एंड देन वी हैड डिनर. इसका मतलब है मैरी पहले पहुंची और फिर हमने डिनर किया. व्हेन मैरी अराइव्ड वी हैड डिनर. जब मैरी पहुंची तो फिर हमने डिनर किया. और यहाँ है व्हेन मैरी अराइव्ड, जब मैरी पहुंची तो वी वर हैविंग अ डिनर, तो हम खाना खा रहे थे. और यहाँ पे ये सारे वेलकम कर रहे हैं मैरी को कि आओ हम मिल बैठ के खाना खाते हैं, तो वी हैड डिनर. नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं, जैसे व्हाइल, एज, व्हेन. ठीक है, व्हाइल द बैंड वॉज प्लेइंग अ मोबाइल फोन रैंग. ठीक है, रैंग सॉरी, जब बैंड जो है वो मोबाइल को प्ले कर रहा था तो सॉरी द बैंड वॉज प्लेइंग, सॉरी बैंड जो है वो यानी कि प्ले कर रहा था तो उस वक्त मोबाइल की फोन जो है वो बज पड़ी, फोन की रिंग बज पड़ी. व्हेन व्हाइल द बैंड वॉज प्लेइंग अ मोबाइल फोन रैंग. नेक्स्ट उस पे चलते हैं, व्हाट वर माइक एंड लॉस डूइंग लुइस डूइंग यस्टरडे. माइक और लुइस जो है वो क्या कर रहे थे यस्टरडे. 8 बजे माइक क्या कर रहा था और लुइस क्या कर रहा था. एट 8 o'clock माइक वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट और लुइस वॉज स्लीपिंग एट 8 o'clock. एट 10 o'clock माइक वॉज प्लेइंग टेनिस और एट 10 o'clock लुइस वॉज गोइंग फॉर हिज जॉब. एट 3 o'clock माइक वॉज रीडिंग न्यूज पेपर एंड लुइस वॉज स्विमिंग इन अ पूल. एट 9 o'clock माइक एंड लुइस वर डांसिंग. नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन द टीचर अराइव्ड एट स्कूल, फिर क्या हुआ, बच्चे क्या कर रहे थे. व्हेन द टीचर अराइव्ड एट स्कूल, तो बच्चे क्या क्या कर रहे थे. ठीक है, ये कुछ प्रेजेंटेशन है, ये टीचर है. व्हेन द टीचर अराइव्ड एट स्कूल, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग. ये यहाँ पे देखें, सब बच्चे जो हैं ये तकरीबन 10 बच्चे हैं जिनके ऊपर टैग्स लगे हुए हैं और आपने बताना है कि ये बच्चे क्या कर रहे थे. तो ये जस्ट आपको एक सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग, सम जो ही वॉज, जो कुछ बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है यहाँ पे म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं. तो ये आप लोगों ने बताना है कि बच्चे, शी इज ड्रिंकिंग सम वाटर और सम जूस. तो यहाँ पे आपने ये बताना है. यानी कि अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल को और पास्ट कंटिन्यूस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो फिर क्या होता है. अब यहाँ पे देखें, आपको ऊपर तस्वीरें नजर आ रही हैं.
ठीक है, और पहली जो स्टेटमेंट है वो मैं कवर करती हूँ और बाकी आपने करना है, ठीक है। जैसे अब नॉर्मली प्रैक्टिकल ग्रामर में अभी आपको सिंपल पहले मैंने बताया कि कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, लेकिन कंटिन्यूस टेंस जब मिक्सअप करके आता है, जोड़ के आपस में इकट्ठा करके हम बोलते हैं, उस वक्त स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि फिर अब हमने क्या करना है। लाइक आपने पास सिंपल किया, अब हम पास कंटिन्यूस कर रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे आई सॉ सू इन टाउन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट सीइंग मी, लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी, शी वॉज नॉट सीइंग मी, ठीक है। मैं जो हूँ, आई सॉ सू इन द टाउन यस्टरडे, मैंने सीयू को यस्टरडे टाउन में देखा लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग द अदर वे, वो दूसरी तरफ देख रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, अब हम ये नहीं कहेंगे शी लुक्ड अदर वे, उसने दूसरी तरफ पे देखा, वो तो मुझे नहीं देख रही थी, बल्कि वो कहाँ देख रही थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी। अब आप बताएं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, आई मीट टॉम एंड एन एट द एयरपोर्ट अ फ्यू वीक्स एगो। हाँ जी, फ्यू वीक्स एगो। अब ये आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ जी क्लास, माइक ऑन कीजिएगा। अब इसको सॉल्व करें, पहला मैंने आपको सॉल्व करके दिया, सेकंड सेकंड आई यस्टरडे वीक की बात आ गई है ना। हाँ जी, अ फ्यू वीक एगो तो क्या आएगा, आई। हाँ जी क्लास, आई आमना, माइक ऑन कीजिएगा। हाँ जी क्या आएगा, आई आमना बताइए। प्लेन एंड आई वाज गोइंग टू मैड्रिड। हाँ जी, वी हैड अ चैट व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट्स, ठीक है। वी हैड अ चैट व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। हमने अभी क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन था पास्ट सिंपल का और कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम, आई वाज सॉरी सॉरी आई वॉज साइकिलिंग होम यस्टरडे व्हेन सडनली अ मैन स्टेप्ड आउट, कि अचानक से एक आदमी सामने आ गया, ठीक है। मैं साइकिलिंग कर रहा था, किससे घर जा रहा था ऑन माई साइकिल, जबकि एक शख्स अचानक से सामने आ गया। आई वॉज साइकिलिंग होम यस्टरडे व्हेन सडनली अ मैन स्टेप्ड आउट इन टू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी। स्टेपिंग आउट नहीं आएगा, अचानक से आ गया। आई वेंट क्वाइट फास्ट बट लकीली I was going quite fast. मैं बहुत तेज जा रहा था, लेकिन luckily I managed stop in time and did not hit him. ठीक है, और फिर मैंने उसको हिट भी नहीं किया। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं साइकिल पे घर जा रहा था yesterday, कि अचानक से एक शख्स मेरे आगे आ गया। मैं जो हूँ I वॉज गोइंग क्वाइट फास्ट, मैं बहुत तेज जा रहा था उस वक्त, लेकिन लकीली जो है मैं अचानक से रुक गया। आई मैनेज टू स्टॉप एंड डिड नॉट हिट हिम, और फिर मैंने उसको हिट नहीं किया। जब पीछे मैनेज आ गया तो उसी सेंटेंस में आगे भी डिड नॉट आएगा, और फिर मैंने उसको हिट नहीं किया। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारी जो देखिएगा, ये कोरा है और ये जिमी है। कोरा रीड अ लेटर व्हेन जिमी फोन हर, ठीक है। अब आप बताइए, कोरा वाज रीडिंग अ लेटर, सॉरी कोरा रीड अ लेटर व्हेन जिमी मेक अ फोन कॉल टू हर। अब यहाँ पे इसको हम जब पास्ट, कोरा वाज रीडिंग अ लेटर व्हेन जिमी फोन हर, ठीक है, कि जब जिमी ने उसको फोन किया तो कोरा जो है वो एक लेटर जो है वो पढ़ रही थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर ये जेनी है, एंडी है, हाय जेनी, और ये एंड कम आउट ऑफ द रेस्ट, एंडी कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट व्हेन ही सी जेनी। अब बताइए इसको। हाँ जी आमना और साजिदा, बेटा इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब क्या होगा फाइनल, एंडी वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट व्हेन ही सा जेनी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, आर यू अ गुड विटनेस डायरेक्शन, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर फॉर 1 मिनट, ट्राई टू रिमेम्बर एज मेनी डिटेल्स एज यू कैन बट डू नॉट राइट एनी। अच्छा जी, रेडी गो,
यहाँ पे देखते हैं यू हैव ओनली 1 मिनट, और आपने इसमें देखना है कि 1 मिनट में आपने ये सारा कुछ देखना है, और इन सारों को आपने बताना है कि व्हाट डू यू रिमेंबर, आपको इस पूरी पिक्चर में क्या क्या याद रहा थी, व्हाट वॉज द बैंक रॉबर होल्डिंग, व्हाट वॉज द बैंक रॉबर वेयरिंग, व्हाट कलर वॉज हिज हेयर, व्हाट वॉज कवरिंग द बैंक रॉबर फेस, वॉज द बैंक रॉबर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, व्हाट वॉज द बैंक मैनेजर डूइंग, व्हाट वॉज द, ये सब क्या कर रहे हैं, ये जस्ट की है कि मतलब इस पिक्चर में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बच्चे को कोई स्टोरी सुनाती हैं, टीचर्स कुछ बता रही होती है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन बता रही होती हैं, या बच्चों से करवा रही होती है, नॉर्मली ये टीचर्स के लिए प्रैक्टिस है कि इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। और नॉर्मली आजकल बच्चों के एग्जाम्स में पेपर पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है वो मस्ट आती है। अच्छा जी, आगे जो है मिस्टर प्रैट हैज अ लॉट ऑफ ड्रीम ही इज टेलिंग। अब यहाँ पे देखें मिस्टर प्रैट के बहुत सारे ड्रीम्स हैं। He is telling a psychiatrist about them. How does Mr. Pratt describe his dream? किस तरीके से वो अपने dreams को describe करेंगे? Look at the picture and psychiatrist notes. Example. अब वो कुछ dreams देखते हैं. I was driving a car when a wheel come off. अब वो कुछ psychiatrist को बता रहा है, एक patient है, और वो बता रहा है कि मैं एक car drive कर रहा था जबकि एक मेरा पहिया जो है वो गाड़ी का निकल गया. The queen walked in when we were eating breakfast. Queen जो है वो अंदर आ गई जबकि हम breakfast कर रहे थे. Next है यहाँ पे देखें ये कुछ चीजें हैं, ये उसके dreams हैं जो उसको आते हैं, जैसे drives car, wheels come off, eat breakfast, queen comes in, walks across bridge, meets tiger. अब आपने इनको देख के जो है ना sentences बनाने, ये पिक्चर जो है ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ अभी, आपने ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है और आपने बताना है कि आप किस तरीके से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे इन द प्रेजेंट फॉर्म, सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो आपकी